असद मियां, अरे भाई किनको उठा लाए? ये सब घर के लिए हायर की। मतलब तो ये सारी पलटू ना हमारे ही सर पे डालोगे तुम? नहीं अम्मी जान, ठीक है आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ये 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 सारे घर में घुस का रोको इन्हें अजद। रिलैक्स रिलैक्स रहीम, इधर आओ। सर डिनर की तैयारी करो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, जाओ। ओके अजद, तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे घर में बस एक वक्त ही मासी आती है सारे काम करने। वो सही है, हमारे सारे काम हो जाते हैं। इससे पहले कभी इतने बड़े घर में भी तो नहीं रहे। अरे अरे मियां, अरे कैसे बात कर रहे हो अपनी छोटी बहन से, जूं कोई बात करता है? अम्मी मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब प्रॉपर ट्रेन मुलाजिम है, तुम्हें और अम्मी को इन सब झंझटों से दूर रखने के लिए इन्हें हायर किया, अब काम लेना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा जिम्मेदार तो मैं बहुत हूँ तुम्हें पता ही है, वो सब मैं कर लूंगी। अब ये जो तुम बोल रहे थे डिनर का ऐसे परफेक्ट, वो कोई मतलब खास कोई मेहमान वगैरह आने वाले? जी एक खास मेहमान है, स्पेशल गेस्ट, रात खाने पे हमारे साथ होगा। मैं चाह रहा था तुम और अम्मी उससे मिल लो। अच्छा भाई तुम्हारे गेस्ट एक ही बात है, तुम बेफिक्र होके रहो। लड़की वड़की तो नहीं है? बात सुनो भाभी, ये जो लाजमो को उठा के ले आया तो कितने मॉडर्न है, पेंटे पहन रखी है लड़कियां, भी जीन्स पहनी हुई अम्मी सारी, उन्हें हम नौकरानियां लग रही हैं इनकी। मेरी बात सुन, किसी ना पार्लर पे चलते हैं, अपने डेंटिंग पेंटिंग करा के आते हैं, कोई अपना बोल चाल कोई स्टाइल अपना बेगम साहबों वाला रखते हैं ना। सब हम इतने सारे काम कर, अपनी चुट्टी तो कटवाओ, बड़ी पीनी लगती है मैं बता रही हूँ। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे